ये जरूर कहा कि एक बड़ा दल, शुरू से कहा कि एक बड़ा दल चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है, तो एक बड़ा दल की ज़रूरत है, हैं? अब दूसरे लोग छोटे छोटे कह रहे हैं, मैं एक बड़े दल की कह रहे हैं। नहीं तो कितने सफल हुए आप जैसे असदुद्दीन? मुझे देखिए, मुझे तो विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सफल होंगे, इसीलिए मैंने आशी, और ये यात्रा हमारी अब चलेगी 75 जिलों में जाएगी और समापन हम करेंगे। अबे तो कृष्ण जी से, भगवान कृष्ण के यहाँ से आशीर्वाद लिया, समापन करेंगे सत्ययुग में, सत्ययुग में भगवान राम का जन्म जहाँ हुआ है अयोध्या में। हैं, अभी आप और इंतज़ार करेंगे, 11 अक्टूबर गुजर जाने के बाद भी अभी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त नहीं हुई हैं? हाँ, अभी नहीं समाप्त, रास्ते अभी, संभावनाएं अभी, कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। मैंने तो यही सीखा नेताजी, नेताजी कोई कार्यकर्ता रूठ जाता था, टेलीफोन कर लेते थे, घर चले जाते थे, मना लेते थे, यहाँ तक कि विरोधियों को यहाँ चले जाते थे, हैं? तो चरखा साहब जब नेताजी चलाते थे तो हमने भी कुछ सीखा है, हैं? आखिरी तक ये गांव चलेगा, 22 के चुनाव में चलेगा। हाँ, तो तभी तो हमने भगवान कृष्ण से वहाँ पर पूजा करके कुछ ना कुछ मांगा है, और वहाँ जाके भगवान राम से भी मांग लेंगे, हैं? तो हमारा नेताजी वाला चरखा चाऊ डाउन चल जाए बस, हैं? 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है, तो कुछ समाचार मिल सकता है हम लोगों को? अब हमने तो जाई से पूजा पाठ करते फिर रहे हैं, कृष्ण जी से मांगा है, भगवान राम से भी मांग लेंगे, हैं? हमारा चरखा दाऊँ नेताजी वाला, नेताजी वाला चल जाए, चरखा दाऊँ और वो धोबी पाठ होता है ना, वो चल जाए। क्या आप वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी के खिलाफ गैर भाजपा वाद का नारा देकर सारे मजदूरों? देखिए, हमने तो हमने 2 साल पहले ये नारा दिया था, गैर भाजपा वाद, तो सभी समान विचारधारा की पार्टियाँ, सभी सेकुलर पार्टियाँ एक हो जाएं। हमने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी थी और हमारी तारीख भी निकल गई है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, करना भी नहीं चाहिए, बातचीत का दौर खुला रखना चाहिए, तभी तो समय 5 महीने का समय है चुनाव का, हैं? तो हमारा तो अभी भी प्रयास है, और हमने तो उदाहरण भी करके दिखा दिए हैं, अगर पंचायतों के चुनाव के पहले अगर यही समझौते हो जाते जिला पंचायत में, जिस तरीके से टावा में बीजेपी एक ही जीती है भाजपा, जबकि भाजपा और समाजवादी हैं, हम समाजवादी की मदद कर रहे, अंशुल की मदद कर रहे, अंशुल तो हमारे साथ थोड़े था, मैंने तो मदद करी, हैं? और वो समाजवादी और बीजेपी एक हो गए, बिलासपुरखी में एक हो गए, तब भी हम यहाँ निर्विरोध हो गए, अभी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ तब भी निर्विरोध हो गए, हैं? तो मैंने तो करके भी दिखा दिया है, अब देखते रहिए कौन हो सकती है, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। जसवंत नगर से अब कौन लड़ेगा, जनता कल पूछ रही थी मंच से, कल इंतजार था जनता को कि मंच से बताएंगे कि अब कौन लड़ने वाला है, लेकिन आप कुछ बताए नहीं। अभी तो देखिए, मैंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, अभी तो मैं, मेरा क्षेत्र है, इस जनता को बहुत लगाव है, हमसे है, हमें जनता से है, अब जनता का हम ठुकरा नहीं सकते हैं ना, दबाव, तो अब देखेंगे, अब जब भी हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट जहाँ तय कर देगा, और हमने तो हमेशा कहा राजनीति में देखिए संघर्ष सबसे पहले, संघर्ष, और संघर्ष के साथ साथ त्याग भी कभी कभी करना चाहिए, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। मंत्री
जी, आपने अभी कहा कि चरखा दाव आपने सीखा है नेताजी से, तो इस चुनाव में चरखा दाव आप जो चलने जा रहे हैं, भाजपा को नुकसान होगा या किसी और को? हम खुले हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सामाजिक परिवर्तन रथ ये सत्ता परिवर्तन के लिए हमने चलाया है पूरे प्रदेश में, तो सत्ता का परिवर्तन हो। सत्ता से बहुत परेशानियां हैं, गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, और अगर जल्दी हो जाता है तो हमारे दरवाजे तो अभी खुले हैं, ये बंद नहीं हमने किए हैं। और अच्छा बताइए, आप लोग कभी कभी कहते हो नेताजी से क्या वो दाँव, कौन सा दाँव, चरखा दाँव, तो हमने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है ना। नेताजी ने तो बताओ विरोधियों को भी मिलाया है और आगे बढ़े विरोधी मिला करके, हैं? तो नेताजी से 40 साल में कुछ न कुछ तो सीखे ही है, हैं? अगर सीखा ना होता तो जिला पंचायत पे निर्विरोध न होती, कोऑपरेटिव बैंक निर्विरोध नहीं होती, इन परिस्थितियों में हमने जीत लिए हैं। ये उदाहरण हैं, आप छोटे छोटे दलों की बात कर